थर्ड ईयर में जरूर कमाल करेंगे। क्या बोला तू? ये तेरा एरिया है, ये एरिया वो एरिया, ये जगह वो जगह, कहीं भी जाने में मुझे डर नहीं लगता, समझाना, क्योंकि ऑल एरिया का अपन ही किंग है। भाई 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 भाई, जरा पीछे पलट कर देखो तो। ओके, तू अपना एरिया में इसलिए तन गया। अबे हम छपरा के लोमड़ी है, छपरा के लोमड़ी का समझ। अबे भाई हमारी बात मानो, इनको छोड़ना नहीं। ए, तेरा जितना भी बोल बचा रहा ना, वो अपने कबड्डी मैच में दिखा रहा। अबे चल निकल ले यहाँ से, चल फट, बिना इंजन की गाड़ी। ए, चल ना, चलो भाई। अबे इस लोमड़ी से टकराना नहीं, वरना तुम लोगों का बॉडी में मार्श को आपने अच्छा सबक सिखाया। सुपर्ब, आप हॉट और मस्त है। आई विस्की फ्रॉम सुजुकी। ठीक है, अब आप लोग जाओ। देखता हूँ मैं तू कितना मारता। आकाश में लटकने में कैसा लग रहा है बोल? अब हमसे दोबारा पंगा लेगा? अब तू देख कैसे नीचे जाता है। ऊपर रहने वाला नीचे हो, नीचे रहने वाला ऊपर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में जीतता कौन है इंपॉर्टेंट ही है, समझा क्या? कबड्डी खेलना ठीक है, क्रिकेट खेलना ठीक है, भरतनाट्यम डांस करना भी ठीक है, लेकिन वो सब करके घमंड दिखाने वाला हमेशा जमीन पर गिरा मिलता है। तुम्हें ये बात जाननी है तो एग्जांपल दिखाता हूँ तुझे। नाम क्या है? आदिवासी सर। आदिवासी सर, मेरा जन्म जंगल में हुआ था ना, इसलिए प्यार से मुझे आदिवासी कहते हैं। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा। इधरा मुड़ जा। हाँ, ये खून कैसे लगा है? शेर ने पंजा मार दिया। शेर ने? हाँ, हमारे दोस्त का नाम शेर है ना, वो गाल पर हाथ रखा था तो खरोच से खून आ गया, नाखून लगने से। पंजा...
You better mind your language and try to control yourself. Understand? Understand? Anaconda, Titanic, Madurai का Jurassic Park या फिर कहीं पर आस पर जाके wine पियो बे bad boys. समझ में नहीं आ रहा है. Expose होकर साफ बोल रहे हैं शराब पीने के लिए. चलो जाओ जाओ यहाँ से जाओ. Police uncle, देखिए ना लड़कियाँ देख रही हैं. ख़राब लगता है. Color चढ़िए ना. अच्छा तो तू यहाँ पर Romeo है हाँ? Uncle, आपको पता नहीं कि यहाँ पर मेरे जैसे लड़के ही Romeo Juliet की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं अंकल. अंकल छोड़ दीजिए. तो शक्ल से तो रोड साइड Romeo लगता है. तेरा लीडर कहाँ है? पहले छोड़िए तभी बताऊंगा ना. क्या पूछा आपने? तेरा लीडर कहाँ है? आप उसे नहीं उसके बारे में पूछो सर. क्यों बे? पता है उसने क्या किया है? क्या किया? मेरी तरह ऐसे पीछे मुड़ा हाँ. और ऐसे भाग गया. सुपरमैन हूँ मैं. इसी तरह से आऊंगा. ए डबल बैटरी, ये अपने दोस्तों के साथ रूम में ताता थैया कर रही है. समझा दे इसे, नहीं तो नोट डालूंगी मैं. ए सुनो, तुम इन सब की इंसल्ट मत करो. ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं. ये क्या, ये 1/4 हाफ टिकट, ये सब तुम्हारी सहेली है क्या? सब बाहर जाओ. ए, मैं क्यों बाहर जाऊँ? इस रूम पर मेरा भी इक्वल राइट है. ऐसा पापा नहीं कहा है. अरे बाप है, तो इतनी पिद्दी भर की और अभी से वर्ड्स की बात कर रही है. आ गया आइडिया. अरे बगल की गली में सचिन तेंदुलकर आया हुआ है, उसका ऑटोग्राफ लेना है मगर मेरा टी शर्ट नहीं मिल रहा है. हट, पता नहीं किधर रख दिया टी शर्ट. और ये डॉल भी ना. भाई भाई, सच में सचिन आया है? हाँ बहना, सचिन आया है, साथ में ऐश्वर्या राय आई है. बगल की गली में एड फिल्म की शूटिंग चल रही है. दोनों सेलिब्रिटी. हाँ। ये तो सारे भूत की तरह का ता 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 ता. कहाँ है वो? कहाँ है वो? इंडियन इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी इज जापान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी, इंडियन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी, इंडियन एकेडमी इज द पुलिस एकेडमी, पार्ट 1 पार्ट 2. गली में गुंडों की तरह झगड़ा करते हो और फिर यहाँ आकर बच्चों की तरह पढ़ाई करते हो. रास्कल. आ जाओ मम्मी. पुलिस मम्मी. ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये हमारा घर है. सुबह 6 बजे से उठकर ये अपने कमरे में सिंसियरली पढ़ रहा है और आप खामखा उस पे शक कर रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी इज ऑलवेज आवर इकोनॉमी. इस दुनिया में पेटीकोट पहनकर पढ़ाई करने वाला इंसान बस तुम्हारा बेटा है. लुंगी समझकर घाघरा पहन लिया. अब पढ़ते समय तो आप जानते ही पापा कुछ दिखाई नहीं देता मुझे. ये बात है? नहीं पापा नहीं, ये झूठ बोल रहा है. ये अभी अभी ऊपर से कूद के मेरे कमरे में आया है. पहले ये बता, रेल इंजन के कोयले जैसा हाल क्यों बना रखा है? ये सब कुछ इसके वजह से हुआ है माँ. इसी ने हम लोग को बोला कि ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर की शूटिंग चल रही है, इसलिए हम लोग छूटने गए थे. मैंने ऐसा नहीं कहा था. बगल वाली गली में सच्चिदानंद स्वामी आए हैं और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेने से ऐश्वर्य बढ़ेगा, ये कहा था. लेकिन तुम तो उन्हें सचिन तेंदुलकर समझकर ऑटोग्राफ लेने चले गई, साथ में ऐश्वर्या को भी देखने. ये क्या बात हुई, सुन के ऐसा लग रहा है जैसे टुन टुन कॉमेडी कर रही हो. आप ही समझाओ पापा. तू बहुत काम करता है ना, तो ये तो बता कि तू कब अपने एरियर पेपर्स को पास करेगा. ये नहीं होगा पापा. आप पढ़ो पढ़ो बोलते रहते और ये कबड्डी कबड्डी करते रहता है. पापा कबड्डी उसे खेलो तो मुझे जमाना गुजर गया. अरे भरोसा नहीं हो तो माँ से पूछ लो. हाँ, सच में? हाँ. ऐसा क्या? पार्टनर, हम छपरा वाले दोस्त लमड़ी बोल रहे हैं. तुम सेफली घर पहुंच गए ना? तुम्हारा बाप बगल में तो नहीं है ना? तू हमारी बात का हाँ और ना में जवाब देना बस. कहा पार्टनर, अपन बाप के साथ रह के तुम्हारी आवाज भी डायनासोर जैसी हो गई है. अरे आज हम सबको बराबर कर दिया होते, लेकिन वो तुम्हारा बाप साला बुड्ढा बीच में आ गया ना, सब खुद को बल कर दिया. अपने आप को रजनीकांत समझ रहा है. अरे बुरा नहीं मानता विजय, लेकिन तुम्हारा बाप जो है ना खुद को बहुत बड़ा पुलिस वाला समझता है. 24 घंटे हमारे पर नजर रख रहा है. हमारी तो एक बात समझ में नहीं आती, तुम बुड्ढे को जेल कैसे रहे हो यार? सीधा उसको डाइवर्स दे दो.
विजय, हमको एक बात का बहुत बड़ा डाउट है यार, आज तू हमारे इस सवाल का जवाब बराबर दे दे यार। ये तेरा बाप जो है ये साला पी के तो नहीं घूमता है, दिन भर हमारा पीछा करता है, इसको और कोई काम नहीं है पुलिस में। वो सब छोड़, मेन मैटर तो हम भूल गए। अरे वो अपना जो काला कदम है ना, वो बीमारी में पड़ा हुआ है, और वो गुमटी झोपड़पट्टी में अपना उल्लू है ना, उल्लू उसकी माँ शराब के केस में अंदर चली गई है रे, इसलिए वो दोनों तो खेल नहीं पाएंगे। वैसे हम है ना, चिंता मत करना, हम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छा सुन ना विजय, अब कल का मैच जितना सिर्फ तुम्हारे हाथ में मार खा है ना, तो इसलिए वो पापा ये कोई रॉन्ग नंबर था पापा। रॉन्ग नंबर नहीं है, रॉन्ग दोस्त है। अब मेरा बेटा क्रिकेट में तेंदुलकर हो, चेस में आनंद हो, तो मैं लोगों को बता सकता था, लेकिन ये तो लफंगों के साथ मिलकर कबड्डी खेलता है। इसके दोस्तों का नाम कैसा, कला कुमार, गुमीडी झोपड़पट्टी, और ये जो बोल रहा था इसका नाम वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता ना, क्या नाम है उसका, वो का दोस्त बूढ़ा फोन कट कर दिया क्या? खास बात तो पहले सुन ले, कल 11 बजे हम बैठकर ग्राउंड में मैच है, तुझे आना है, तभी हम लोग मैच जीतेंगे। कबड्डी 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 कबड्डी। और सुन, अपने बाप को थोड़ा कंट्रोल में रख। पुट डाउन द फोन यू रास्कल। का है रे, भोजपुरी फिल्म के विलेन की तरह बोल रहा है। मैं उसका बाप बोल रहा हूं। अरे ये डायलॉग भी सुना हुआ है, अमिताभ बच्चन ने बोला है। अगर तू मेरे हाथ में आया ना तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। क्या हुआ लोग? पता नहीं क्यों सर, कल सुबह 11 बजे अंबेडकर ग्राउंड में आपका कबड्डी का मैच है। ए, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, चुपचाप से उन पेपर्स को तैयार करके उनमें पास हो जा, और एक अच्छी सी नौकरी पाने की कोशिश कर। ए, ये कल सुबह यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी? नहीं जाएगा। अगर गया तो बस थोड़ी ही देर में। तुम लोगों की टीम का कैप्टन कहाँ है? सर 10 मिनट में आ जाएगा, प्लीज सर। जो भाई हम सरकारी ड्राइवर हैं, जो उसका इंतजार करेंगे, लीग मैच है, शुरू कर देंगे हम। सर वो 10 मिनट में आ जाएगा सर। आ, तेरा कैप्टन डर के मारे घर में छिप गया, कहा ए, चिपकली, हमारा किंग छिपने वाला में से नहीं है, वो झपट्टा मारने वाला शेर है। कारे हवा टाइट है, उछलेगा। ए तू कहे बंदर की तरह उछल रहा है, एक लात मारूंगा पता नहीं चला कहाँ गिरेगा। ये गेम है या गैंग वार है? क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो? अपनी लड़ाई बाहर पूरी करो, यहाँ सिर्फ रूल्स को फॉलो करो, वरना मैच कैंसिल हो जाएगा। चलो जाओ, टाइम हो गया है, टॉस करके मैच शुरू करना चाहिए, उसको सब्स्टिट्यूट में रखते हैं। हाँ ठीक है, सब लोग अपने जगह पर जाओ। ये क्या सब्स्टिट्यूट खेल शुरू करने को कह रहे हैं? हम बिना विजय के खेल नहीं खेलेंगे। मैं सब समझता हूँ, तुम लोग मैच की तैयारी करो, विजय जरूर आएगा। ए आदिवासी सुन जरा, तेरे पास गाड़ी है ना, तो चलो। विजय को अकल नहीं है क्या? तुम जानते हो ना इस लीग मैच को जीतना है, वो पता नहीं कहाँ घंटी बजा रहा है। क्यों लिप से अजीब सी आवाज आ रही है? कुछ भी नहीं पंडित जी, कुछ भी नहीं। व्हाट इज दिस मैडम, कंसंट्रेट करो, दिस इज हवन ना, चुपचाप बैठना होगा। स्वामी जी की बात मानो बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए हवन जरूरी है। ठीक है माँ, ठीक है। ओके ओके, कंसंट्रेट दिस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस खेल की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ के दोनों प्रतियोगी काफी खतरनाक माने जाते हैं, इसलिए कबड्डी 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 अपना किंग नहीं है ना, इसलिए इसका ये हाल हो रहा है। विजय नहीं है तो नशा भी नहीं चढ़ रहा है। अरे योगा समझ रहा है तो छोगा, अरे तब मैं ठीक नहीं सुन रहा, तेरे बात करें तेरे ऊपर ही मद्रास है, मद्रास है बंदर हूँ मैं। हे विजय, मद्रास है बंदर बरवास। अरे जल्दी आ, टाइम हो गया है, चल चल। इतना बंदर तेरे से बंदर। स्टॉप। वहाँ क्या देख रहे हो? घी लेकर आइए। अरे बहन जी आप क्यों उठ रही है, आप क्यों उठ रही है, आप रुक जाइए, यही बैठ रहिए, तुम्हें जाना होगा। घी लेकर आओ, मैंने कहा घी लेकर आओ, घी 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 लेकर आओ, घी लेकर इधर आ। मैंने कहा घी लेकर आओ। पंडित जी अब आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ये लीजिए पंडित जी घी। बैठो। ओम चीन सराय नमो नमः, ओम ओम बीच में मत बोलाए नमो नमः, ओम ओम चुप कराए नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम। कबड्डी 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 कबड्डी
बाहर हुआ है। अब किंग की पारी 11 पर ही है और टाइगर की पार्टी का 4 अंक। तुम ठीक हो ना? अब देखना उनको हमारे एरिया में आने में कितना डर लगेगा। कहा रहे वो लोग, इतना काहे चल रहे हैं? कहा वो आ गया का? सबके सामने दारू पी रहा है, कल मैं अभी तुझे पिलाता हूँ। इस खेल का आधा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब बीच में से ही विजय ने अपने ग्रुप को ज्वाइन किया है। विजय के आने से उनके सभी साथियों में एक जोश आ गया है। कबड्डी कबड्डी छोड़ो नहीं कबड्डी 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 किंग 1 पॉइंट। गेम फिर से शुरू हो चुका है। बहुत ही रोमांचक दौर आ चुका है। पब्लिक की तालियों का स्वागत करते हुए टाइगर के खेमे में किंग खेमे के ताकतवर प्रतियोगी टाइगर 3 पॉइंट। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। किंग 16 पॉइंट, टाइगर 18 पॉइंट। पार्टी जीत पार्टी है या नहीं ये देखने के लिए दर्शक काफी उत्सुक दिख रहे हैं। मैच अपने रोमांचक दौर पर पहुंच चुका है। देखते हैं विजय क्या कमाल करते हैं। कबड्डी तूने गलत किया था और गलत का अंजाम भी गलत होता है, समझ में आ गया ना? अब तूने जो ब्लेड अपने पास रखा है जाकर उससे अपनी दाढ़ी बना ले। जीत ली है बाजी, बाजी हार गया, बाजी बाजी दिल है अब राजी, राजी टेंशन।
जाना जाना फॉल होगा तो दीवाना खेल ऐसा खेलना तो नो एंट्री में जाना नहीं हम तो दबंग यार सबकी बजाते पेड़ जीतने के बाद होता क्या पीछे देखो बिन लादेन बैठा है उसे लेकर भागने की तैयारी करो मैं भागने के लिए तैयार हूँ ऐसा मजाक किया देखती हूँ मैं तुझे आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मैं नहीं जाऊंगी हमारे परिवार को जो इज्जत नहीं देते मैं उनको क्यों इज्जत दूं तो ठीक है मत दो इज्जत अब क्या है आप जाओ मेरा उस दिन एक अर्जेंट काम है नहीं तो मैं खुद चला जाता अगर हमारे यहाँ से कोई नहीं गया तो वो बुरा मान जाएंगे आ रही है मुझे जाकर अटेंडेंस देना ही होगा लग रहा है परवाह नहीं करती स्टॉप इट अरे रे 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 क्या पार्लियामेंट की तरह शोर मचा रखा है आप लोगों ने चार पेपर पास नहीं कर पाया तो आप लोगों ने खूब डांटा अब मुझे कम से कम शांति से पढ़ने तो दीजिए विजय तू ही बता मेरे माँ बाप की 60वीं एनिवर्सरी में इनके परिवार से कोई आया था क्या नहीं आए थे माँ उस दिन पापा भी तो लेट आए थे ना हाँ अब इनकी बहन की लड़की की शादी है तो मुझे हैदराबाद जाने को कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है माँ जहाँ पे इज्जत माँ मिले वहाँ पे नहीं जाना चाहिए ऐसा बुजुर्गों ने कहा है तो अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट नहीं पापा सच्चाई का साथ दे रहा हूँ उस दिन माँ के घर पे नाना नानी आपके घर से किसी के ना जाने पर दुखी होकर कितने रोने लगे थे ये बात अभी तक मेरे दिल को कचोट रही है मेरा तो फैसला ये है कि इस घर से एक चूहा भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पर बिल्कुल सही ठीक है कुछ भी हो हम सारे फैसले सोच समझ कर करेंगे अभी मुझे पढ़ना है हाँ बेटा जाओ पढ़ो पढ़ो अरे अरे वो मेरी बुक है तो क्या हुआ तो क्या हुआ अरे सब तो पापा का ही दिया हुआ है ना अपना बुक बोलती है उसे पता नहीं अपनी किताब कहाँ है हाँ तो जाओ भैया जाके पढ़ाई करो विजय हम सेमीफाइनल में पहुंच गए सच में 18 तारीख को मदुरई जाकर मैच खेलेंगे हम अभी जाके बाकी सबको बताते हैं 18 तारीख को मदुरई में मैच खेलूंगा कैसे 18 को मेरा अर्जेंट कॉन्फ्रेंस है ये मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं या तो मैं क्या नहीं मैं नहीं जा सकता एक मिनट अंदर जाकर मैंने इस मैटर पर बहुत सोचा शायद आप ही ठीक कह रहे थे 18 तारीख को हैदराबाद में शादी का फंक्शन है यहाँ से कोई ना कोई तो जाना ही चाहिए ये क्या तू अपने पापा को कैसे सपोर्ट करने लग गया सपोर्ट नहीं माँ न्याय की बात कर रहा हूँ जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ नहीं जाना चाहिए ऐसा तो बड़े बुजुर्गों ने कहा था लेकिन दयालु आदमी भी तो कुछ कहता है गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो उसे माफ कर देना ही इंसानियत होती है माँ अगर हमने पापा की बात मान ली तो हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी माँ सच कहा तो मैं ही चली जाती हूँ लेकिन माँ तुम कैसे जा सकती हो इंसल्ट इंसल्ट उन्होंने तुम्हारा किया था ना शायद क्या माँ तुम्हें याद नहीं है ठीक से सोचो ना हाँ किया था याद आया लेकिन हमारे घर से एक आदमी वहाँ पर जरूर जाएगा मोना जाती लेकिन वो बहुत छोटी है किसको भेजे ए, मुझे क्यों बोल रही हो मैं नहीं जाऊंगा
मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने अभी तो बोला तुमने। क्या बोला? कब बोला? ये तुमने बोला ना? हाँ वही बात तो मैं कर रहा था। ये झूठे। तो अब शादी में तुम ही जाओगे? क्या बोल रहे पापा, 17 वहाँ 18 यहाँ। नहीं पापा ये नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बोल रहा है पापा, हमेशा फ्री रहता है। तुम ही जाओगे तुम। क्या कर दिया भाई को? फंसा दिया ना। जरा यहाँ मुझे तुमसे बात करनी। जाऊंगा, क्या करूं, बोल दिया ना। जाने के बाद कबड्डी 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 कबड्डी। विजय संभल कर जाना। अरे ये कोई बच्चा है क्या? जवान है। मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। तुम वो क्यों ले जा रहे हो? पापा वो हैदराबाद पहुंचने में बहुत टाइम लगता है ना, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कुछ किताबें लेकर के जा रहा हूँ, रास्ते में पढ़ता रहूंगा। ये सब झूठ बोल रहा है पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी घर में बैठ के तो पढ़ाई नहीं की, फिर बाहर जाकर अपना भेजा खर्च कर क्या पढ़ाई करने वाला है। वाह बोल लिया, कभी तो ठंडे दिमाग से सोचा कर, तेरा भाई जरूर बड़ा बनेगा। हाँ ये तो हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचता रहता है। एक दिन देखना अपना विजय अपनी सारी कमजोरी दूर करके अपने दिमाग को मजबूत कर लेगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप दे दो पापा, गिरने का काम मैं कर लूंगा। आप तो जानते हैं कि मैं वहाँ जाकर आपकी कितनी तारीफ करूंगा। क्यों पापा? खाने का खर्चा तो है नहीं। दीजिए दीजिए, केवल टिकट का है। ये लो पकड़ो, खर्चा करना मगर संभाल के लो। ऐसा लग रहा है जैसे 1000 का नोट दे रहे हो, दूध पीता बच्चा समझ रखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलता हूँ। अरे क्या है ये? तो लेता जा। ये क्या है? गिफ्ट है, कलसी है, उन्होंने तो पीतल की दी थी, हमारी वाली चांदी की है। मिल के करेंगे मजा, इसने लाइव बना दिया, कड़की होगी मजा, सर पे रख के मजा, सर पे रख के मजा। क्या हुआ? किधर है माँ? इसको लेकर जाना है। टेंशन मत लो, ये आराम से अपनी सही जगह पे पहुँच जाएगा माँ। चांदी का है, हमारे खानदान का है ये। आप जिंदगी भर सिर्फ नोट गिनते रहते हैं, व्यवसाय करके कब तक गरीबों को लूटते रहेंगे? कभी तो हम गरीबों पर रहम खा के बिना गिने नोट। आप जैसे कस्टमर को रहम की क्या जरूरत? तो इसकी शक्ल देखकर हम फिर तो वापस राजस्थान जाकर मटका बेचना भाई, पड़ेगा। आप तो पक्के मारवाड़ी दिखते हो। आदिवासी छोड़ बहसबाजी, मैच जीतने के बाद वापस आके ले जाएंगे कल से। उधर क्या यार, जर्नी मस्त रही ना? बर्थ नहीं मिला तो काहे का मस्त यार, मजा आया ना? तू भी ना। हाँ मदुरई में उतरते ही उसका खुशबू आने लगा। शांत हो जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो पता है? ये मदुरई है, यहाँ मारने से पहले वजह नहीं पूछते, सीधा काट डालते हैं। एए, वो इसमें है। चल अंदर। कोई नहीं जाएगा, मैंने कहा था ना यहाँ ऐसा ही होता है। अब चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, चलो यहाँ खड़े क्या हो, चलो ना। हाँ
नहीं ढूंढा। क्यों? तुम्हारे भाई का मन्नू पांडे ने कत्ल कर दिया। मनु पांडे के आदमियों ने बेरहमी से तेरे भाई का कत्ल कर दिया। सर, इस पेपर पर दस्तखत करके आप बॉडी को ले जा सकते हैं। मुझसे नहीं होगा। पापा रुकिए, पापा बोलिए। क्या रे डॉक्टर, पब्लिक के सामने कत्ल हुआ है और तुम खुदकुशी की रिपोर्ट में साइन करवा रहे हो? सुनो, इनसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? इनको तो जिंदा रहने दो। तुम तो मनु पांडे को जानते हो ना, यहाँ रहना चाहते हो ना, तो चुपचाप दस्तखत करो और बॉडी लेकर जाओ। आप देख क्या रहे हो? जल्दी ले जाओ यहाँ से, जाओ रोना धोना बंद करो, जाओ जल्दी।
करो जल्दी। वाह रे वाह, क्या घूम घूम कर मारता है तू। चल मुझे मार, मुझे मार कर दिखाना। मार नहीं मालिक। अरे मार ना, मार मार आ मार। आजा आजा। घूम घूम कर मारने से फायदा नहीं है रे, इस तरह से सीधा वार करके दुश्मन को गिराना चाहिए। ये है मार, मनु पांडे का मार। चल इसको बाहर फेंक दे। ठीक है सर, 15 हाँ ठीक रख देंगे। हाँ साले साहब, उसका शोक मत मनाओ, भूल जाओ। मैंने उसे समझाया मगर वो माना ही नहीं। तुम्हारी बहन से शादी की बात करने पर वो नाराज हो गया, चार लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने लगा, लेकिन फिर भी मैंने माफ कर दिया। अरे उसे पटरी क्रॉस करते वक्त सिग्नल तो देखना चाहिए था। जाने दो, वो हादसा था। ए खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, इतनी कड़ी धूप है, साले साहब के लिए लस्सी छास लाओ। क्यों ऐसा क्यों, तुम भी भाई की तरह। हाँ जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते हो। भाई ये ठंडी लस्सी। जहां बहन का भाई ना हो वहां शादी करना, ऐसा जोशी ने बताया था मुझे, लगता है सच है। थालकुलम एरिया का शंकर पांडे का बेटा बहुत ही बीमार था, उसे कोई पैर की भयानक बीमारी हुई थी, ऐसा हमें सूचित किया गया था। मदुरई रेलवे स्टेशन पर वाईगाई एक्सप्रेस के सामने आकर खुदकुशी कर ली। उसके छोटे भाई को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। उसका छोटा भाई कोवई में इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र था। आज सुनो, जरा टीवी बंद करना। पारी खेलकर इंडिया को जिता दिया। कौन है? मैं बोल रहा हूँ। चेन्नई से तुम्हारे साहब का फोन है, बोलिए बोलिए। क्या हो रहा है वहाँ? मर्डर। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करता है? इसका कारण आप ही हो। क्या मैं हूँ कारण? तो और क्या, यहाँ पर आपका परिवार है ये आप समझते नहीं है। आप हमेशा पार्टी पार्टी उसी में बिजी रहते हो, इसीलिए ऐसा होता है। और कोई तकलीफ? नहीं नहीं, यहाँ सब संभालने के लिए हमारा ऐसा ही सिलवा है ना, और क्या चाहिए। हम ही लेट पर लेट कर रहे हैं, शायद वो धनलक्ष्मी के माँ बाप को भी मार कर उसको अनाथ बनाने के बाद ही उसे शादी करने वाला जी, है। जरा मेरे काम के बारे में। तुम्हें कहा ना साहब जी कल सुबह आ रहे हैं, उससे मैं बात करेंगे। चलो पैसे उठाओ, मैं लड़की के घर जाके आती हूँ। आइए। शंकर पांडे बैठो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बात माननी चाहिए। ये कुर्सी वहां पर रखो। अरे अरे, धनलक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा बहुत प्यार करता है, है कहाँ वो? ए धनलक्ष्मी दीदी कहाँ? ऊपर है। ऊपर? अब रोने से क्या फायदा होगा धनलक्ष्मी? हाय सुनो। चलो हम चलते हैं। दुल्हन की सहेलियां। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया। अब मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अरे इस शहर के हर एक लड़की मनु पांडे से शादी करना चाहती है, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग रही हो। मैं वीर हूँ, कोर्ट के दरवाजे से लेकर मंदिर के दरवाजे तक मैंने बहुत सारे कत्ल किए हैं, 32 केस के आई विटनेसेस हैं, लेकिन फिर भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मनु पांडे के नाम से लोगों की धोती गीली हो जाती है। जो चला गया क्या वो वापस आने वाला है? और बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं जिस घर में मौत होती है वहाँ जल्दी शादी होनी जरूरी है। अब सोच क्या रहे हो, शादी करवा ही दो। शेर हूँ मैं, बब्बर शेर। तेरे साथ वो एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी ना, सेक्सी सी, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उसे एक हफ्ते के लिए उठा लिया अपनी खुशी के लिए। मैंने बहुत सारी लड़कियों को छुआ है, लेकिन एक बात तुम जानती हो, मेरी ये उंगली बार बार तुम्हारी तरफ ही क्यों जाती है? क्योंकि I love you. Hey! क्या देख रहा है तू? हाँ चल जा यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। चल जा 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 जा। ए, इसे लेकर जा रहे। अरे जल्दी लेकर जा।
अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसे तो मुझे बहुत लड़कियां मिलती हैं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे जो आपस में खेले, उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ तुम ही होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। हाँ, तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा सिर्फ 20 साल बड़ा है, कौन सी बड़ी बात है? मेरे पति की उम्र मेरे से 24 साल ज्यादा है, उसमें फर्क क्या है? परिवार भी है, बच्चे भी हैं। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे घर की महारानी बन के रहोगी, और किसी ने हमारी शादी में टांग अड़ाई तो उसे काट डालूंगा, क्योंकि आई लव यू। भाई, आपको माँ बुला रही है। माँ बुला रही है, मैं चलता हूँ। आई लव यू। कल सुबह साहब आ रहे हैं, मैं हम मिलकर फैसला कर लेंगे। बेटा चले क्या? हाँ माँ। ठीक है, चलते हैं। गाड़ी निकालो। चलता हूँ सासू माँ, चलता हूँ ससुर जी। मैंने अब फैसला कर लिया है पिताजी, मैं उसी से शादी कर लूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं आप लोगों को जिंदा देखना चाहती हूँ। रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है पिताजी कि मैं उसी से शादी कर लूं। बेटी ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? भाई कहाँ? भाई भाई कहाँ चले गए? भाई लो, आप यहाँ हो। नमस्ते। कल चेन्नई से साहब जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए घर को पेंटिंग करके सजाने के लिए कहा है मनु पांडे जी ने। सुनो, हाँ। एक रूम इनके रहने के लिए छोड़ दो, बाकी सब पेंटिंग कर दो, समझ गए ना? हाँ, जाओ, समझ गए। जल्दी 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 अपना काम करो, जाओ। खूब अच्छे तरीके से पेंटिंग होना चाहिए, एकदम सुपर होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उधर जा, अच्छे से काम करना। ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी अपना काम करो। ए, इसको टाइट करो, जल्दी जल्दी हाथ लगाओ, चलो और टाइट करो इसको, नहीं चाहिए। अच्छा काम करोगे तो। बेटी धन लक्ष्मी, ये लो अपना सर्टिफिकेट संभालो, और ये पैसे रखो। मैंने तुम्हारे चाचा से बात कर ली है। चाचा जी से? अमेरिका में जो तेरे चाचा है, मैंने उनको सब बता दिया है। अब तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। लेकिन आप लोगों को छोड़कर हमारी चिंता मत करो बेटी, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उसके जाल में फंसने नहीं देंगे। सुनो बेटी, बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला किया है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब चलो बेटी, जा बेटी। चलो ले जाइए इसे जल्दी। चिंता मत करना, हम लोग संभाल लेंगे। क्या बहन, इतना टाइम लगा दिया, बस यही रूम तो बाकी रह गया। ए सब आओ, टेबल को संभाल ले जाओ, सब नहीं आ रहा है। भाई सब नहीं मंगा रहे हैं। ठीक है, जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ ना। जल्दी उतार लो। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे वाह, अरे वाह। आ, 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 आ,
वहां पे लोड भेज दिया ना तूने? भेज दिया भाई। सोनिए, ए, अरे सोनिए रुक जाओ, अरे अरे वो ए, चाबी कहाँ है? जल्दी लाओ। सोनिए सोनिए, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ऐसे क्यों भाग रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा पैर दुखने लगा। क्यों भाग रही हो तुम? हाथ में बैग भी ले लिया है। क्यों रो रही हो? अब चुप भी हो जाओ। मुझे छोड़। ए, ए, दोबारा ऐसा बोलना नहीं। क्यों बोली ऐसा? फिर कभी ऐसा सोचना मत। सुनो, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? आई लव यू ना। हम लोगों की शादी होने वाली बेबी। सभी पार्टी वालों को दावत भी दे दिया, पापा भी आ रहे हैं। तुम्हारे जो भाई मरे हैं वो हमारे बच्चे के रूप में पैदा हो जाएंगे और तुम भाग रही हो। अब बैग मुझे दे दो। अब बात मान लो बेबी, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। आई छोड़ो मुझे। छोड़ दो। चलो छोड़ दो मुझे। चलो चुपचाप। आई गाड़ी ला। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ दो मुझे। गाड़ी में बैठो। चुपचाप गाड़ी में बैठो। नहीं, बैठो नहीं, जल्दी बैठो। मुझे जाने दो। चलो बैठो। नहीं, चलो चलो जल्दी चलो अंदर। दहाड़े रोड पर मन्नू पांडे पर हाथ उठाने वाला कौन है भाई? सच बोलूं तो वो शहर का होगा ही नहीं। ये उसी के आदमी है, ये हमें मार डालेंगे। ए, गाड़ी निकाल। कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता। ए, चला, और तेज। चलो जल्दी।
मुझे बचाने के लिए आप अपनी जान दांव पर मत लगाइए, बहुत खतरनाक लोग हैं, ये हमें मार डालेंगे, मेरी किस्मत में शायद यही है। आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। जान जाने के डर से किसी को बीच में छोड़ने वाला इंसान नहीं हूं मैं जो भी काम करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं ही जीतूंगा, हर हाल में मैं ही जीतूंगा। यहाँ कबड्डी खेलने आया था मैं, अब खेल का ग्राउंड वहां नहीं यहाँ है। आंच गुंज, आंच गुंज। अरे ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? जो बच के हाथ से नहीं जाना चाहिए।
Hey! कौन है रे तू? हाँ? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है! Hey! तू मेरे से 10 करोड़ ले जा, मैं फिर से कमा लूंगा। Hey! 10 किलो सोना ले ले, वो भी चलेगा। लेकिन वो मेरी लाइफ है, तू उससे कैसे लेकर जा सकता है? हाँ? धनलक्ष्मी मेरी जान है। Hey! अरे ये मेरी होने वाली वाइफ है रे, डार्लिंग। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। धनलक्ष्मी मेरी भगवान है रे, और मैं इसको मंदिर में ले जाने वाला रथ हूँ, और तू रथ में रखी मूर्ति को चोरी करके ले जा रहा है। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। इस शहर में गलती से एक लड़का मुझसे टकरा गया था, और मैंने उसका हाथ कटवाकर उससे भीख मंगवाने लगा, और तूने मीनाक्षी मंदिर के सामने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तू कौन है रे? तू मन्नू पांडे को नहीं जानता है रे? इसके इतने टुकड़े कर डालो कि कोई गिन भी ना सके। सबको पीछे हटने को बोलो। रुको रुको सब रुको। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे कोई आगे नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, बात सुनो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तू कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तेरी जान है मुझे पता चल गया है। जितनी तेरी जान तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी मेरी जान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी गर्दन में अलग कर। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे उससे दर्द हो रहा होगा, उसकी गर्दन से चाकू हटाना, उसका एक बूंद खून भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू छोड़ दे। अरे छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे उसे। यहाँ आ रहे। अरे जल्दी आना, मुंह क्या देख रहा है? धोती निकाल, जल्दी निकाल। अरे निकाल ना, जल्दी जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। नीचे बिछा, नीचे बिछा, नीचे बिछा। अब बिछ गया, अब तो छोड़ दो। सारे हथियार इसमें डालने को बोल, जल्दी बोल। सब डाल, जल्दी डाल, जल्दी जल्दी, अब जल्दी कर। हाँ, जल्दी डाल। अब पीछे हटो, पीछे हटो, सब पीछे हटो, पीछे हटो। अब देखो, अब तो सारे हथियार यहाँ डाल दिया, अब तो उसे छोड़ दो। इसको बांध, मैंने बोला ना बांध। लेकिन क्यों? रुको 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 रुको, मैं खुद से बांधता हूँ। बांध रहा हूँ, जल्दी बांध रहा हूँ, बांध रहा हूँ भाई, बांध दिया, अब तो छोड़ दो। ये सारे हथियार उस जिप्सी में डाल। जिप्सी में? सुन क्या रहा, जल्दी डालना। अरे सुना नहीं सर ने क्या कहा? अरे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, चल जल्दी ले जा, ले जा, ले जा, ले गया, ले गया, अब तो ले गया, अब तो उसे छोड़ दो। जिप्सी को छोड़कर सारी गाड़ियों की हवा निकाल दे। हवा निकाल दे, चल जा हवा निकाल दे। जल्दी कर, जल्दी हवा निकाल। देखो अब तो सारी गाड़ियों के हवा निकल गई, अब तो इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ए धनलक्ष्मी सुनो, जिप्सी में बैठो, जल्दी जाओ। अरे लेकिन देखो धनलक्ष्मी, मेरी बात सुनो। अरे हे धनलक्ष्मी, अरे कौन था? पता नहीं साहब, भाई को मार के लड़की को साथ ले गया। सारा राज्य मेरे पीछे चलता है और कोई मेरे बेटे को मार के चला गया। आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? सबके हथियार जब्त कर लिए थे। शर्म नहीं आ रही? वो किस तरफ गया? बाईपास रोड से गया। ट्रैफिक कांस्टेबल से लेकर ACDC सबको उसका ढूंढने में लगा दो। हर जगह की चेक पोस्ट को अलर्ट रहने को कह दो। सर, मैं राजा पांडे का PA बोल रहा हूं। किसी भी हाल में अपनी स्टेट का बॉर्डर पार नहीं करना चाहिए। Play!
ना कर दो फिर भी झुका नहीं किसी के लिए। ये कोई हम नहीं पकड़े जिसको कैसे भी कोई, ये तो लेकिन लगता जैसे राजा कोई। खोलो चलो दिखाओ चल आगे बढ़ चल पुलिस वाले हमेशा सर बराबर चेक कर छोड़ना है बिना चेक के जाना नहीं चाहिए कोई भी हो देख क्या है चल जल्दी का कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या एक्सीडेंट नहीं भाई वो मन्नू पांडे है ना उससे शादी करने वाली लड़की को कोई भगा ले गया इसीलिए सुबह से जबरदस्त चेकिंग लगा रखी है गेट बंद रखो क्या कर रहे हो जब तक सबकी चेकिंग ना हो जाए किसी को जाने मत देना चेक करो सब गाड़ी चेक करो कोई नहीं जाने वाला अरे ये तो सिगरेट पी रहा है सर इस पर मुझे शक है अरे दिवाकर इसके चलने की स्टाइल ही अलग है अरेस्ट कीजिए मुझे अरेस्ट कीजिए मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर अरेस्ट कर लीजिए चुप कर दो लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ अरेस्ट कीजिए तो कीजिए ना मेरे भाई को कोई मारकर भाग गया और मैं यहाँ पर चेक पोस्ट भी पार नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे ऐसे थोड़े होता है वो बात नहीं मेरी गाड़ी क्यों रोक रहे हैं आप गाड़ी का नंबर हाँ वही देख रहा था हाँ यही है TN5900 भाई की लूना से लेकर के जिप्सी तक यही नंबर तो है जिप्सी की चारों गाड़ी में भाई का एक ही नंबर तो है फिर भी आप गाड़ी चेक करेंगे जाइए चेक कीजिए जाइए जाइए चेक कर लीजिए सर चेक कर लीजिए हाँ इधर से बात करता है फिर उधर स्टेशन कौन सा है आपका नाम क्या है आपका एक ही अकल है नाम मैं पर भेजे में नहीं है एक बात कान खोल कर सुन लो अगर वो नहीं पकड़ा गया तो तुम लोग की वर्दी उतार दी जाएगी वो कोई भी चेक पोस्ट किसी कीमत पर पार नहीं करना चाहिए समझ गए तुम लोग चेक पोस्ट खोलो चलो खोलो चेक पोस्ट सर खोलो खोलो दिमाग खराब कर दिया एकदम है? क्या आदमी है इधर से बात कर अकल को लाइन पर जल्दी बुलाओ मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं सर सर मैं एक अकल बोल रहा हूँ पास रोड पे तैनात एसआई एक अकल लाइन पर है क्यों रे वो मिला नहीं अभी तक नहीं मिला हम बराबर चेक कर रहे हैं ध्यान रखो गाड़ी का नंबर वगैरह पता है ना सारी गाड़ियों के नंबर एक ही है कुछ और पहचान हो तो बताइए उसने ड्रेस कैसी पहनी है ए, उसने ड्रेस किस कलर की पहन रखी है डार्क ब्लू टी शर्ट और मिलिट्री कलर की पैंट हेलो डार्क ब्लू टी शर्ट और मिलिट्री कलर पैंट क्या वैसा कपड़ा पहना वो ही है सर वो तो आपका आदमी बोलकर भाग रहा है सर क्या भाग रहा है वो उस गाड़ी में लड़की भी है ना नहीं सर लड़की तो नहीं है ए ठीक से देख सर हाँ सर उसमें लड़की छुपी है सर लेकिन वो भाग गया सर
उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया। सर एक आइडिया है सर। कैसा आइडिया? सर अगर ये भागकर कर्नाटक की बॉर्डर की तरफ गया तो कावेरी को हाथ मिलेकर हमारे लिए तमिलनाडु से यहाँ पर आएगा सर, क्योंकि वो किंग है सर। मन्नू पांडे तुम चिंता मत करो, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे, अभी चलो। उससे मार कर धन लक्ष्मी से शादी करने के बाद ही यहाँ की मिट्टी पर मनु पांडे कदम रखेगा। निकाल रे गाड़ी। यहां से शादी में हैदराबाद पे पहुंचा नहीं, डरो मत। भाई ने फोन करके साफ कह दिया कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो शादी में क्यों नहीं पहुंचा, क्या वजह है, इसका भी अभी कोई जवाब नहीं है हमारे पास। और तुम उसकी बड़ाई कर रही हो और उसके दोस्तों को फोन करके पूछने के लिए बोल रही हो, और जब उसका दोस्त फोन उठाएगा तो कुछ भी बात करके रख देगा फोन। तुम जानती नहीं हो वो मेरी बेइज्जती करेगा, और शायद तुम ऐसा ही चाहती हो। मेरा स्टेटस क्या है तुम्हें पता है? सारा एरिया मुझसे डरता है, और ये मेरे पापा ही नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है, कबड्डी खेलने के लिए कभी नहीं जाने देते, इसलिए शादी का बहाना करके मदुरई गया था। पढ़ाई पूरी करके मैं गवर्नमेंट जॉब करूं ऐसा मेरे पापा चाहते हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कबड्डी में करियर बनाऊंगा, नेशनल लेवल का चैंपियन बनना चाहता हूं। उससे अच्छा तो ये मेरी इच्छा कि मैं छुट्टी लेकर खुद चला जाता। तुम जाकर हाथ मत धोना, मुझे नहीं सुनना पड़ता। मेरा बेटा हैदराबाद से निकला और वापस नहीं आया, मुझे उसका डर है, और आप हो कि वो सब भूलकर गुस्सा कर रहे हो। मेरा बेटा किस हाल में है मुझे ये भी नहीं पता। हे भगवान मेरे लड़के को सही सलामत घर पहुंचा देना। हे गणपति बाप्पा उसे बचा ले। ये मेरी माँ है, बहुत अच्छी है, मुझे बार बार पैसे देती रहती है और मुझे हर बात के लिए सपोर्ट भी करती है, और मेरे पापा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहने देती। उसने हमें धोखा दिया है पापा, हमें बेवकूफ बनाकर कबड्डी खेलने गया होगा। उसने जाते वक्त जब किताब गिराई थी, ये मेरी बहन, तभी मुझे बहुत खतरनाक है, हमेशा मेरे बारे में जहर उगलती रहती है, क्योंकि वो मुझसे उम्र में छोटी है इसलिए उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। उस बदमाश को आने दो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये लो इसे पहन लो। लो ना मेरी बहन का है। मैं अंदर जाकर अटेंडेंस देकर आता हूँ। विजय मारो पापा, अच्छे से मारो मुझे, मैं शादी में नहीं गया था इसलिए मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दो। जब तक आपका गुस्सा शांत हो जाए तब तक मारते रहो, मारो ना। लगता है अंदर छुपकर सारी बातें सुन ली तुमने। ए, बाप के दिल की बात एक बेटा ही समझ सकता है, और तुम जरा शांत रहो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। पापा मैं शादी में क्यों नहीं पहुंच पाया? इसी के कारण। ऐसा क्यों हुआ तुम मुझसे नहीं पूछोगी माँ? कैसे हुआ? कैच इट। मैं ट्रेन में बुक पढ़ता हुआ जा रहा था, सामने वाला मुझसे बात कर रहा था, एहट मैं उससे बात करने लगा, तभी अचानक उसने मुझे अपने बैग से निकाल कर ये बिस्किट खिलाया। अनजान लोगों की चीजें खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था ना? लेकिन दिखने में वो पापा की तरह था माँ। ठीक है ठीक है, आगे क्या हुआ? मुझे इतना याद है कि मैंने इसमें से सिर्फ एक बिस्किट खाया था, और जब मेरी आँख खुली देखा मदुरई स्टेशन पर अकेला खड़ा हूँ मैं। मदुरई स्टेशन पे तुम अकेले खड़े थे और कोई भी नहीं था? ठीक है मैं बैठा था, अविश्वास हुआ क्या माँ, ये भावना के शक की बीमारी आखिर कब दूर होगी? वो नहीं सुधरेगी, तुम आगे बोलो। मैं कहाँ था पापा? मदुरई स्टेशन पर। हाँ मदुरई स्टेशन से उतर कर वो चांदी की कलसी, पहले उसके बारे में पूछो। हाँ। इस उम्र में तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है कि नहीं? बात बदलो मत भैया, कलसी कहाँ है? वो चांदी की कलसी, वो चांदी की कलसी। हाँ वो ठीक है, वो कहाँ गई होगी? देखो ये सोचने लग गया। मैं क्यों सोचूंगा, सोचने की क्या जरूरत है, साफ साफ बताता हूँ मैं। हाँ हुआ क्या होगा? अरे हाँ उसने बिस्किट खिलाकर वो कलसी चोरी करके ले गया होगा, दिन दहाड़े लूट। रेलवे पुलिस में कंप्लेंट की थी ना? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ए, जल्दी जवाब दो ना। मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, अगर मैं पुलिस पे कंप्लेंट करूंगा तो पापा की कितनी बेइज्जती होगी पता है तुम्हें? वाह पापा तो बात ही नहीं मान रहे, उनको भरोसा दिलाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है। पापा मैंने आपको सब कुछ सच कहा, इस भावना की कसम खाके माँ मैं आपकी कसम। नहीं नहीं दसवीं टॉप करूंगा ये कहकर दादी की कसम खाई थी और वो मर गई। तो फिर पापा की कसम? अरे नहीं बेटा नहीं। सच में माँ तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बाप रे, अरे बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ मेरी पूरी गायब हो गई। पापा से कंप्लेन करो ढूंढ कर लाएंगे। नहीं तुमने लिए। माँ क्या हुआ? इसने मेरी पूरी चुरा ली।
पुलिस का बेटा होकर भी चोरी करता है। ए, तू हमेशा उसे लड़ती क्यों रहती है? कभी तो ठीक से बात किया कर। ये ले, जब देखो शुरू हो जाती है। मैं क्या करूँ इन बच्चों का? आई डोंट नो। तुम ऐसा राजा को वहाँ पर तैनात कर दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात कर लूंगा। यहाँ से मेरी पूरी कहाँ गई? मेरी सॉरी पापा, आपकी पूरी आई नहीं तो जाएगी कहाँ? मैंने देखी थी। अरे पापा, आप तो 24 घंटे नजर रखने वालों में, भला आपकी नजर से बचकर पूरी जा कहाँ सकती पापा? मैंने खुद यहाँ रखी थी। मानता हूँ पापा आपने रखा होगा, उधर देखिए, ध्यान से देखिए, लगभग 12 पूरी खाकर बुलडोजर की तरह अभी भी चल रही है। जरा पूरी लाना। अरे पापा, पूरी तो कब की खत्म हो गई? माँ, पापा को बासी चावल परोस दो, इनको बहुत भूख लगी है। तुमने खा लिया? हाँ खा लिया खा लिया। ये लो, मेरी माँ ने बनाई है, बहुत टेस्टी है। ये लो, खा लो ना। पानी पी लो बेटी, मुझे हिचकी नहीं आ रही माँ। अरे कैसी आवाज है? मैं हूँ पापा। पानी लाओ क्या बेटा? हाँ मैं आता हूँ माँ, मैं जाकर पानी लाता हूँ। अरे पानी यही बैठकर पियो ना। माँ बाप के सामने पानी पीना अच्छा नहीं लगता ना, मैं इसलिए अंदर ले जाकर के पी लेता हूँ। एक बात तो बताओ, ये हिचकी की आवाज डबल डबल क्यों आ रही है? सुनो, अच्छा है तुम्हें डबल नहीं दिखाई पड़ता, वरना इस टेबल को भी कंपेयर करना पड़ता। अब तुम वास्तु के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। सुनिए, इस घर को भेज दे क्या? अरे ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। ये लो। मेरी बात सुनो, तुम अभी कुछ देर आराम कर लो। तुम्हारे अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट और बाकी सारे काम मैं संभाल लूंगा, ओके? तुम आराम से यहां सो जाओ, मैं ऊपर सो जाता हूं। गुड नाइट। ए, तूने किससे पंगा लिया, पता है तुझे? पता है। अभी वो लड़की कहां है? किसी को पता नहीं, वो लड़की मेरे घर में है। बाप रे, वो तेरे घर में है? ए, विजय तो अपना फैसला बदलता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों है ना, बोलो। मैच वहाँ हार के आ गए का? ए, कौन हार गया रे? साले छपरा के लोमड़ी हम, आ जाओ एक एक करके सबको हरा देंगे। अरे काहे का लोमड़ी, अगर मदुरई का मैच खेला होता तो एक कमीने ऐसा बोल रहे होते का? टेंशन मत लो, इस मौके पर अभी हमें चुप रहना होगा, मैच हो जाने दो, फाइनल में देख लेंगे। ए विजय, क्या अभी तक सो रहा है? उठ जा जल्द, 8 बजने को आए हैं, उठ जा बेटा। कैसे ब्लैंकेट में घुसकर सो रहा है? विजय उठ जा, कॉफी पी ले चल। सब सामान इधर उधर फेंका है, पूछो तो बड़े बड़े डायलॉग सुनाने लगता है, पता नहीं कितनी फिल्में देखता है, घर को कबाड़ खाना बना कर रखा है। क्या हुआ? मेरा चश्मा कहाँ चला गया? सब मुझी से पूछो। क्या हुआ? मोटू कॉफी पीकर वापस सो गया है माँ। आती हो? ये किसी आवाज थी बेटा? माँ के जैसा, मुन्ना के जैसा। क्या बच गया? माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, माँ की चरणों में स्वर्ग बसा है, माँ मेरी माँ से मिला। अचानक भोजन कैसे करने लगा, क्या बात है? आज मदर्स डे है ना माँ? आज कोई मदर्स डे नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आज मदर्स डे नहीं है। बिना मदर्स डे के क्या माँ को याद नहीं करते? नेवर। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। मेरा पिंक कलर वाला चूड़ीदार कहाँ है माँ? अरे उसी कबर्ड में रखा है, ढूंढ ले। क्या है? मेरा ड्रेस लेना है। तुम्हारी ड्रेस यहाँ नहीं है। मेरा पिंक वाला चूड़ीदार इसी में, माँ ने बोला है। दूसरी ड्रेस नहीं है क्या? पिंक कलर पहनना जरूरी है क्या? जाए यहाँ से। ठीक है। क्या हुआ?
कुछ नहीं। ये देखो आजकल तुम बहुत ज्यादा ही उछल रहे हो, मैं तुम्हें देख लूंगी। विजय ना खड़ा होकर क्या कर रहा है? नहीं कुछ नहीं। सुबह उठकर दो चीजें सबसे पहले कर लेनी चाहिए, पता है ना? क्या माँ? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत शुभ होता है, और दूसरा नहाना जो प्रार्थना से पहले करना चाहिए। चल अब जाकर नहा ले। माँ भी अब बोलना सीख गई है। देखने में लड़की जैसी है ना? ये गुड़िया है माँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे लड़की खुद ही आके बैठ गई हो। हाँ वो मैंने किसी लड़की को लाकर यहाँ गुड़ियों के बीच बिठा दिया है। तुम भी ना माँ जाओ यहाँ से। अब चेहरा खूबसूरत है लेकिन इसमें एक चीज कम दिख रही है। हाँ टीका नहीं है। माँ तुमको टीका ही लगाना है ना, लो मैं लगा देता हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही है, तू जाके नहा लेना। मन्नू पांडे आने वाला है, वो बहुत गुस्से में है। ये क्या, यहाँ तो सभी पुलिस वाले टीवी देख रहे हैं। सर आपने जो किया बताया उसके मुताबिक हमने इसके तैयार किया है। देखिए ये नहीं है, ये सर ये भी नहीं है, ये सर ये भी नहीं, ये नहीं 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 नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, वो दिखने में एकदम अलग है। अरे वो मेरी शक्ल पे कीचड़ उछाल के गया है और मुझे उसकी शक्ल तक याद नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम फिट है सर। तो इधर पास आओ और बता कि वो कैसा था। हाँ मैं बताऊंगा। झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, झूठ बोलेगा तो तू मरेगा। चल 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 आ जा जा जा। ए सुनो ये जैसा बोलता है उसी हिसाब से चित्र बनाओ, बता और बड़ा करो। ये देखिए सर और छोटा करो। ठीक है सर। हाँ इसका दाढ़ी थोड़ा कम करो। दाढ़ी को उतारी दो, मूंछ का भी सेव कर दो। सर इसे देखिए सर, जेमिनी गणेशन। अरे सुनो इसने तो जेमिनी गणेशन की तस्वीर बना दी। अरे इसने तो किसी और की तस्वीर बनवा दी। मैंने तो कहा था सर वो तो आग की तरह है, इसने देखिए कंप्यूटर भी गर्म होकर बंद हो रहा है। उसको पकड़ने के लिए आप क्या करने वाले हैं? बिना एविडेंस के पकड़ने बोलेंगे तो हम उसको कहां कहां जाकर पकड़ेंगे? आप लड़के को तो जानते नहीं लेकिन लड़की को तो पहचानते हैं ना, उस लड़की का फोटो दीजिए हम पकड़ेंगे। अरे वाह ये तो दिमाग वाला पुलिस लगता है, अच्छा दिमाग का यूज किया। नाम क्या है तुम्हारा? शिव सुब्रमण्यम। तुम चिंता मत करो बेटे, सारा राज्य मेरे पीछे है, मैं हर हाल में उसको ढूंढ लूंगा और तेरे सपने पूरे करूंगा, मेरा वादा है। सुनो गोविंद स्वामी। शिव सुब्रमण्यम। हां वही 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 वही। फोटो चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो मैं तुम्हें लाके दूंगा, फोटो चाहिए ना तुम्हें मैं तुम्हें लाके दूंगा। मेरी बात सुनो, अगर ये अच्छा पुलिस वाला भी उसे नहीं पकड़ पाया तो मैं इसका गला दबाकर। बेटे चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें फोटो लाकर यहाँ दूंगा, समझे? सर पासपोर्ट दे दीजिए। वो लड़की आएगी जब भी पासपोर्ट मिलेगा। तो मानता ही नहीं। ए तो चुप हो जा, उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकी। प्लीज सर इफ द कैंडिडेट कम्स आई विल गिव यू द पासपोर्ट, प्लीज गो। क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं हुआ। ए वो सरदार हम लोगों को पासपोर्ट देने से मना कर रहा है। क्यों? कहता है लड़की सामने आएगी तभी पासपोर्ट मिलेगा, ज्यादा कानून झाड़ रहा है। तू तो ऐसा उछल के गया था जैसे पार्टी को जाके डस लेगा, साला बोल बच्चा। अरे उसका बोल बच्चा तो हमसे भी भारी था, अपने झांसे में वो नहीं आया। ए विजय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? एक घंटे बाद तो ऑफिस भी बंद हो जाएगा, कल सैटरडे है और परसों संडे, अगर ऑफिस बंद होने से पहले उस लड़की को लाएंगे तो काम हो सकता है। लक्ष्मी तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। धनलक्ष्मी? कौन धनलक्ष्मी? धनलक्ष्मी किसने कहा? कौन है ये धनलक्ष्मी? तुम बताते हो या माँ को बुलाओ? भावना भावना प्लीज, भावना मेरी अच्छी बहन। नहीं हो तो मेरी बहन नहीं मेरी दीदी। हाथ पैर पकड़ के ड्रामा करोगे नहीं चलेगा, पहले ये बताओ ये धनलक्ष्मी कौन है। भावना ये कोई ड्रामे का वक्त नहीं है। धनलक्ष्मी भावना भावना
देखो गलत मत समझना, ये बेचारी हालात के मारी है, बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए ये बात माँ को नहीं बताना मेरी प्यारी बहनम। क्यों ऐसे चिल्ला रही है? तुम हो मेरी प्यारी माँ, मैं हूँ तुम्हारी बेटी। अब ये गाना क्यों गा रही है? क्यों, आज मदर डे नहीं है क्या माँ? नहीं है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आज मदर्स डे नहीं है लेकिन बाकी के दिन तो गा सकते हैं ना, इसलिए मेरा जब जब दिल करता है ना मैं गा ही देती हूँ, तुम मेरी माँ हो। गाले गाले, तू भी अपने भाई की तरह ही हो गई है, अब गाना गाना बंद कर और पढ़ाई में ध्यान दे। मेरी वजह से बच गए हो, मैं चाहती तो माँ को बता देती मगर वो हालात की मारी है ना इसलिए तुम बच गए। अब तो थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। हाँ। उसको सीट देना ना देना मेरे हाथ में है, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, सारा स्टेट मेरे पीछे है, बोल दो उसे। अरे चुप करो ना, क्या पूरा देश मेरे पीछे खड़ा है हमेशा बोलते रहते हो? क्या बॉर्डर पे खड़े हो जो हमेशा ऐसी बातें करते हो? एक लड़के को पकड़ नहीं सकते और बातें बड़ी बड़ी। 6 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाकर मैं राजनीति कर रहा हूँ और तुम एक लड़की को लेकर परेशान हो? अरे ढूंढ लेंगे पांडे। बहुत है, अगर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते तो कुत्ता भी नहीं पूछता। धनु उधर देखो, ये वही लड़का है। धनु धनु धनु, अरे धनु मुझे, अरे दरवाजा खोलो, अरे संभालो, अरे दरवाजा खोलो, अरे बोलो जा रहे, अरे पकड़ो उसे, अरे दरवाजा खोलो, अरे वो जाना नहीं चाहिए, अरे कुछ तो करो, घर से खोलो, अरे अरे कुछ पकड़ो, अरे रुक जा पांडे, अरे वो बचना नहीं चाहिए। देखेंगे तो क्या समझेंगे? अरे वो मेरी धनु को मेरी आंखों के सामने से ले गया और बात की बात करता है, अभी मैं तुम्हें मारकर जेल चला जाऊंगा। मैं तेरा बाप हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे लिए धनु ही सब कुछ है, वो लड़का यहीं कहीं रहता है, शाम तक वो मुझे चाहिए। कहाँ गया? विजय वो मन्नू पांडे चेन्नई आया है, पता तो क्या हुआ? पटाखे सब तैयार है ना? हाँ रेडी है विजय, बराबर फटेगा ना? ये ज्यादा जरूरी बात है। ये भी जरूरी है दोस्त, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो निकल जाए यहाँ से, निकल जाए। ये आदिवासी। हाँ, अब मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा तुम लोग को इतना डर क्यों लगता है यहाँ? जब तक वो मेरे रूम में तब तक टेंशन मत लेना, सही करना तो। हाँ। आओ, टेंशन मत लो, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं, आओ चलो ना। मदुरई से लाया है, नाम धनलक्ष्मी। आई एम शीला। हाय, आई एम सुष्मिता। ए, सब कुछ तैयार है? अभी बैग लाता हूँ भैया। क्यों भाव रही, तुम्हारे कमरे में ही रहती है ना? अब क्या हुआ? होगा कहाँ, तुमने कहा था ना जब तक तुम्हारे रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब तो सबका अंदाजा ना कंफर्म है। बात उधर देखो, वो लड़की पूरे ग्रुप के साथ मस्ती कर रही है। इसको यहाँ लेकर क्यों आई? क्यों, मैं अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तुमने भी तो करवाया था ना इंट्रोड्यूस। अरे तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या, बात क्यों नहीं समझती? कोई मुझे पूछेगा तो बोल दूंगी फ्रेंड की सिस्टर है। अरे वाह, अभी से डर गए, मैं तो कल इसे स्कूल भी ले जाऊंगी। स्कूल ले जाएगी क्या तेरी? हाँ पापा। चावल की बोरी इधर। मैं नहीं आऊंगी, आऊंगी तो मारोगे। नहीं आएगी तो भी मार कर। रुक पहले। सॉरी ना भैया। रुक रुक। भैया सॉरी बोल दिया ना। किसे बेवकूफ बना रही है? सॉरी भैया प्लीज छोड़ो ना। ए भाग ना भाई, इसको छोड़ना नहीं। क्या है? जाने दो। ए अरे छोड़ दो बेटा, जाने दे। पकड़ो इसको। भैया
क्यों रो रही हो? तुम्हें आज नहीं रोना चाहिए। वहां देखो। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये बात हमें पता चली तुम्हारे पासपोर्ट में लिखे डेट ऑफ बर्थ से। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए भाई ने पहले नहीं बताया। Doom shak, doom 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 shak, doom shak, doom 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 shak. Hey hey, doom shak, doom 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 shak, doom shak, doom 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 shak, doom shak, doom 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 shak, doom shak, doom 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 shak. Kukud kukud ko, bol dil ya kukud ko, udaas na ho tu, bol dil ya kukud ko. उसे हम अपनी खुशियाँ रोने से उसके लग हो रही है बारिश बादल ऐसे कड़केंगे ना कुकड़ कुकड़ को बोल दिल ये कुकड़ को उदास ना हो तो बोल दिल ये कुकड़ को रहना खुशी होगी जहां मैं होगी।
में बोलो भैया, लड़की हो बहुत मस्त। जल्दी आओ। फिंगरप्रिंट्स बराबर चेक करना। ओके सर। हाँ सर, ये वही गाड़ी है, हम उसी को चेक कर रहे हैं। ए, चलो विजय उठो। ए, चलो चलो विजय। ए, बोला ना। वो जरूर इसी एरिया में रहता होगा। अरे चलो, क्या देख रहे हो? चलो विजय। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ भीड़ थी इसलिए देखने चले आए। काम नहीं होगा तो तमाशा ही देखोगे ना। तुम्हारे जैसे ही किसी लफंगे ने मदुराई से एक लड़की को किडनैप करके गाड़ी यहाँ छुपा दी थी और खुद भी यहीं कहीं छुपा है। देखो अपने दोस्तों की शक्ल, देखो ऐसा लगता है जैसे इनमें से किसी ने उस लड़की को किडनैप किया होगा। ए पापी, मुजरिम सामने खड़ा है, ऐसा किस पर कर रहा है? ए, तुम में से कौन छपरा का लोमड़ी है? मैं बताता हूँ ना सर, वो बाप बन गया है। तू बताना जल्दी से। ओह, शादी करके बाप भी बन गया? नहीं सर, सेंट जॉन चर्च में फादर बन गया। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बात है सर, सुनने वाले कुत्ते को लाया। वो बचेगा नहीं, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। सर, वो बच नहीं पाएगा सर। हाँ सिल्वा, इस पूरे एरिया को अच्छी तरह चेक कर लो। विजय, अगर वो कुत्ते तेरे घर पहुंच गए तो वो लड़की तेरे घर पर ही है, अब तू क्या करेगा? गो, गो, चलो जल्दी, गो फास्ट, गो, चलो जल्दी, आगे बढ़ जाओ, चलो जल्दी। ये ना मैं हूँ। गो, गो फास्ट, गो, हाँ। या मूव फास्ट, आगे बढ़ो, आगे, चलो जल्दी, चलो जल्दी। फोटो अच्छी है। चलो चलो, चलो। चलो जल्दी, और टाइट, जल्दी भागो, और टाइट, चलो जल्दी, चलो जल्दी। अरे वो नॉर्मल कुत्ते नहीं है, अगर तेरी नाक पकड़ी तो पूरा थोबड़ा खा जाएगा। क्यों सर, क्यों? भागो, भागो, अरे ये कैसा पुलिस वाला है? वो इसके एरिया में गाड़ी छोड़कर गया फिर भी इसे खबर नहीं लगी। बोलो कहाँ है वो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कहाँ है वो? ये क्या कह रहे हैं सर? इनके कहने का मतलब है कि मैंने उस लड़की को अपने घर में छुपा के रखा है क्या? वो पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए गाड़ी को यहाँ छोड़ गया है और खुद कहीं और रहता होगा। जवाब तो ये पॉकेट में लेकर घूमते हैं, मगर इसे अपने काम पे ध्यान नहीं। क्या पकड़ लिया? पकड़ लिया? कहाँ पकड़ लिया? बॉर्डर पे उसको पकड़ा है सर। तो हम बॉर्डर पे जाके मिर्ची को जो तीनों कुत्ते केरला बॉर्डर की तरफ भागे थे उनको पकड़ लिया गया सर। पकड़ लिया है। कुत्तों का चार डालूंगा क्या? सबको काट डालूंगा। ये सब क्या है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? काटे नहीं तो प्यार करें, एविडेंस होते हुए भी आजाद घूम रहा है वो, क्यों नहीं रहेगा? अरे इसे अच्छी तरह समझा दो कि अरे क्या हो रहा है। वो लड़की अगर हमारे सामने भी खड़ी हो तभी हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों 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 ऐसा? ए, तुम लोगों ने अभी तक उसका फोटो दिया क्या? फोटो? अरे फोटो तेरे को कहा था ना, कहा है फोटो? उसके पास है भाई। इतना समय क्यों लगा दिया रे? उसके माँ बाप देने से मना कर रहे थे। मना कर रहे थे तो वहीं पे काट के फेंक देना था ना। देख रहे, विजय के साथ डांस करने वाली आ रही है। अरे ये तो अकेली आ रही है।
एसटीडी करना है। नमस्ते। hey, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पीने सर। चाय पी ली ना? हाँ सर। निकल जा। ओके सर। चलो। एक गाड़ी रोको, पीछे लो। चल रहे, भाग रहे। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फोन करने आई थी। ओ, तुम्हारा घर कहाँ है? यही है सर, पास में। गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा घर भी यही है। कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। वन मिनट, गाड़ी ले जाओ। ठीक है सर। सर फाइल। हा? सर फाइल। थैंक यू। ठीक है, सुबह जल्दी आना। ओके सर। चलो। ये बताओ, तुम्हें पहले तो इस एरिया में नहीं देखा। सर मैं दूसरे शहर से आई हूँ, यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ रहती हूँ। अनटाइमली यहाँ कभी अकेले मत आना, बहुत ही खतरनाक एरिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। यहाँ क्यों रुकी? यही मेरा घर है सर। ये घर है? मैं चलती हूँ, थैंक्स। कोई बात नहीं, दरवाजा खुलने दो। आइए। थैंक यू सर, गुड नाइट। एक मिनट, ये कौन है? ये मेरी आंटी का लड़का है। पीने को पानी मिलेगा? ये जब से मिले हैं जा ही नहीं रहे हैं। अंदर आइए सर। बैठिए ना। सर के पास बैठो, बैठो ना। मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ अंदर का फैन नहीं चल। हाय भावना। भावना ये इसकी छोटी बहन है। अंकल से नमस्ते कहो। नमस्ते। कौन हो? नमस्ते अंकल। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे इतनी रात गए, आप लोग सब यहाँ जमा क्यों हो गए हो? वो कौन है लड़की? ये सर इनके साथ शादी कर रहा है। क्या विजय, तुझे लव हुआ और मुझे ही नहीं बताया? बहुत सुंदर लड़की चुनी है तुमने। ये लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक है। क्यों बेटी, तुम्हारे घर वाले शादी से मना कर रहे हैं इसलिए भाग के आई हो? कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। ये तो ऐसे ही कह रही है, इनके मजाक करने की आदत है। हाँ? है ना भावना? सर आप तो बहुत ही शांत हैं। शादी कहाँ करनी है, मंडप में या रजिस्ट्री ऑफिस में? सर वो बुरा मान रहे हैं क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आए, बहुत थके हैं, उनकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है ना, इसीलिए वो विजय। आओ, आओ, उस पर चढ़कर।
पापा हाथों, पापा हाथों जल्दी, पापा पापा थोड़ी कोशिश करो, पापा थोड़ा हो, पापा पापा, अरे क्या देख रही हो, पकड़ो, अरे मुझे नहीं पापा को, जल्दी खींचो ऊपर, सॉरी, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे पिताजी हैं। मेरी वजह से तुम्हें बार बार तकलीफ हो रही है ना, मदुराई में तुम कबड्डी भी नहीं खेल पाए, तुम्हारे पिताजी भी तुमसे नाराज हो गए। अभी पापा को कैसे समझा सकता हूँ, और उसके लिए टाइम भी नहीं है। अभी मेरा सारा ध्यान पहले तुम्हें किसी सेफ जगह पे पहुंचाने का है। नारायण मैं हूँ। अरे अरे अरे, हमारा आदमी है, क्या बात है, मेरी पहचान वाली लड़की के साथ गांव से आई है, लाइट हाउस देखने की इच्छा थी इसलिए ले आया। किसने मना किया, ऊपर जाओ अच्छी तरह घूमो, मगर एक शर्त है, कल होने वाले फाइनल मैच में पंजाब टीम को सर के बल गिरा कर हराना है, क्यों नारायण स्टेडियम में होगा, कमाल करेंगे, जरूर जीतेंगे। सही बोला मैडम, आपने विजय खेल को नहीं देखा है, विजय जो हाफ पॉइंट में कबड्डी खेलने में जाता है ना, तो अपोजिट पार्टी वाले मिट्टी में मिल जाते हैं, किंग है मैडम, किंग, इसके कहानी। ठीक है नारायण, अब शांत हो जा, किंग और किसमें किसमें तुम किंग हो, एरिया वालों ने एक जीत के बाद मेरा नाम किंग रख दिया, अब ये नाम टीम के ऊपर भी अच्छा लग रहा था तो इसलिए टीम का भी नाम पड़ गया। इधर से आ जाओ, संभाल के। देखो ये है हमारे शहर का एफिल टावर, यहां से देखने पर पूरा शहर दिखता है, लेकिन हम यहां हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा। हम स्कूल में पढ़ते वक्त क्लास छोड़कर सीधा यहीं आया करते थे, अब क्यों आते थे ये नहीं पूछा। क्यों आते थे, चोरी से सिगरेट पीने। पूर्णिमा के दिन समुद्र को देखना बहुत सुंदर लगता है। हेलो, कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, इस पत्थर पे लिखा नाम ढूंढ रहा हूँ। पत्थर हाँ, लिखा? इस पत्थर पे नाम लिखने से वो कई सालों तक नहीं मिटता। ये देखो, ये लिखा है लोमड़ी, वो मेरा चोटी वाला दोस्त है ना, ये उसका नाम है। ये क्या लिखा है, ओदिवासी? ओदिवासी नहीं, आदिवासी, कम पढ़ा लिखा है ना इसलिए ऐसा लिखता है वो। टन टन। उधर देखो, मेरा नाम शरण और विजय, शरण विजय, दो नाम लिखने का कारण पता है, मेरे पापा। तुम्हारे पिताजी? हाँ, जब मैं पांचवी क्लास में फेल हुआ तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा था। फिर जिस मास्टर ने मुझे कम नंबर दिया था उसी का नाम अपने साथ जोड़कर मैंने यहाँ लिख दिया था, वो आज तक नहीं मिटा। देखो ये क्या कर रही हो, अपना नाम लिख रही हो क्या, लिखो लिखो लिखो, तुम यहां पर कभी किसी के साथ आई थी उसके निशाने के लिए लिखो। आधा है चंद्रमा क्या, रात आधी, ये तुम्हारे बस की बात है मेरे बस की नहीं, रहने जाए तेरी मेरी बात आधी। मैं तो बस एक ही कोशिश करूंगा सोने की। Oh.
मेरा बाल माँ एक नजर देखना, तू है मेरा बाल माँ एक नजर देखना। ये भोले 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 मेरी होले आ जा रे, अब तो होले 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 तन ये ढोले मेरा रे। जाए कहीं दूर जहां से ए मितवा ख्वाब सारे तुमसे है सजे, तू जाने ना बातें सारी करते रहे एक दूजे पे मरते रहे, मुझको दिल में तू रहने दे शिकवे सारे अब है मिटे। तेरे लिए सांस चले तेरे बिना दिल ये चले, देखता रहे जहां दोनों ऐसे आज मिले, धड़कनों से जोड़ना तुम तो कोई छेड़ना, धड़कनों से जोड़ना तुम तो कोई छेड़ना, धड़कनों से जोड़ना तुम तो कोई छेड़ना। दिल ये बोले 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 मेरा होले आ जा रे, अब तो होले 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 ये डोले सैया रे। गाना गा लिया तुमने? अरे मैं तुमसे एक बात कहना ही भूल गया, तुम्हारा टिकट रेडी हो गया है, आज शाम 6 बजे की फ्लाइट है। थैंक्स। तेरा लड़का कहाँ है रे? हाँ, ओए, तू उस एसीपी की औरत है ना? कहाँ है तेरा लड़का? नहीं जानती। ओए, ए, तू इधर देख, तू इधर देख, ओए, ओए। हाँ भाई, मिला कि नहीं? अंदर नहीं है भाई। बच के कहाँ जाएगा साला? हाँ
अब वो इस घर में तेरा बेटा बनकर नहीं आएगा, लाश बनकर आएगा। हाय, बड़े दामाद आ गए। कैसा है तू वज्रबेली? ए, मेरा नाम ये नहीं। नाम तेरा कुछ भी हो, तेरा बेटा कहाँ है ये बता। वो क्या है कि वो इतने दिनों से यही था ना, अब वो कहाँ है? उस दिन तूने अचानक बोला था कि तूने उसे घर पर रखा है, यही न्याय है क्या? अब जनता ही न्याय करेगी। इसका लड़का जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी उसे भगा कर लाया है, और इसने उन दोनों को घर में छुपा कर रखा था। पोस्ट तो इनका एसीपी का है। अब एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो, तुम अपने बेटे के बाप हो या पिंप हो? मिस्टर मनु पांडे, इन योर लिमिट्स। ऐसी बात अभी मुझे नहीं सुनने का है। जब तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें चारों तरफ से घेर कर तुम्हारे पुलिस वाले बैठे रहेंगे, तब तुम उन्हें अंग्रेजी झाड़ना, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। सुनिए, वो बात मैं भी नहीं जानता कि वो उसे यहाँ लेकर आया है। मैं खुद भी उसे ढूंढ रहा हूँ। आपने कंप्लेंट भी लिखवाया है और मैंने एफआईआर भी दर्ज किया है। अब 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल को अरेस्ट भी कर लूंगा और आपके हवाले करूंगा। हवाले करूंगा मत बोलो, हवाले करना है। पुलिस को उसे पकड़ते समय ये उसे पुलिस से बचा भी सकता है, इसीलिए उस लड़के को खत्म करके ही धनु को लाना। ठीक है भाई, तुम्हारे पापा हम सबको ढूंढ रहे हैं। सेल फोन रेडी है? हाँ रेडी। लो समय बांटो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग को आसपास कुछ भी गलत लगे तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। ओके चलते हैं। तेरा फोन विजय, उस लड़की को भेजने के लिए तो बोल दिया, लेकिन आज शाम को अपना मैच है, याद है ना? फाइनल है यार, ये जीतेंगे तो हमारी लाइफ बन जाएगी। लेकिन तुमने तो प्रैक्टिस भी नहीं किया, फिर कैसे? देखो, फिजिकल पावर से ज्यादा विल पावर मैंने रखता है, समझ गए? तुम देख लेना, हम ही जीतेंगे। तुम्हें यहाँ से जाना जरूरी है क्या? फिर कब आओगी? आओगी या नहीं? नहीं मालूम, वापस जल्दी आना। ए, रो के रही हो तुम? तुम्हें चॉकलेट चाहिए क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी रो रही है। अच्छा, तो दो चॉकलेट लाना पड़ेगा। इसकी स्पेशलिटी यही है, हैप्पी इंसान को भी रुला के ही छोड़ती है। और तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? कभी भी किसी के दुख को समझ ही नहीं सकते। नहीं, तुम्हें तो कुछ भी कहना बेकार है। कुछ समझा नहीं। मैं जा रही हूँ, इसका तुम्हें थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा? इसमें दुखी होने की कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन मुझे दुख है तुम्हें, भावना को, तुम्हारे घर वालों को छोड़कर जाने का दुख है मुझे। लेकिन कर क्या सकते हैं, फीलिंग तो मेरे अंदर भी हो रही है। अब घर में छुपाने के लिए कोई नहीं होगा, अब तो इस चावल की बोरी को ही छुपाऊंगा अंदर। अब कोई पीछा भी नहीं करेगा, वो थ्रिल, वो टेंशन अब कोई नहीं देने वाला है। लेकिन ये सब अभी जरूरी है क्या? ए चावल बोरी, चल जा और इसे तैयार कर जा। ए, कितना टाइम लगाएगा गाड़ी ठीक करने में? आधा घंटे के अंदर दे दे। नहीं देगा तो साला तुझे गाड़ी के अंदर बंद कर दूंगा, इसी से दूंगा। अच्छा पौन घंटा पे दे दे भाई। झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका रे झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका। अरे बोल, कहाँ है तेरा दोस्त? नहीं बे, कोई अपने जिगरी दोस्त के साथ धोखा करेगा कब है? तू नहीं बताएगा ना तो मार खा के मरेगा। ये बताया तो ठीक है, नहीं तो इसको उठा करके सीधा नीचे फेंक देना। अरे 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 छोड़ दो बे, हम थोड़े ठीक है बे। उस बूथ से फोन निकाल। किस बूथ से फोन निकाले भाई? उसकी चड्डी से फोन निकाल। यह बूथ कहाँ भाई? अरे सिर्फ फोन निकाल रहे इला भाई। लोमड़ी, दोपहर को ठीक 3 बजे गाड़ी लेकर लाइट हाउस आ जाना। ओके। तूने कहा था ना कि तू अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा, लेकिन देख तेरे ही मोबाइल ने सब बता दिया, मैं हूँ विलेन। विजय, मनु पांडे को तुम्हारी छुपने की जगह पता चल गया। इसका मैं उसे पकड़ कर रहूंगा और तू भी नहीं बचेगा। पकड़ूंगा, पकड़ूंगा। जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। नारायण, ए नारायण, नारायण शराब पी के सो गए। स्टॉप। नमस्कार सर, आप इधर से नहीं जा सकते। क्यों 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 नहीं जा सकते? आज गणपति विसर्जन है, प्लीज उधर से जाइए। अरे मुंह क्या देख रहा है, जल्दी गाड़ी पीछे ले।
पीछे हटो। अरे छोड़ 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 हाथ छोड़ हाथ छोड़ अरे हाथ छोड़ अरे अरे कोई तोड़ो इसे अरे तोड़ अरे जल्दी कर तोड़ चलो जल्दी अरे तोड़ चलो 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 जल्दी हेलो धनलक्ष्मी अब हम क्या करेंगे भगवान हमारा साथ देगा चलो आजा, आजा। ए! ए! अरे नहीं थैंक यू पापा चलो किंग भाग गया भाग भाई वो भाग गया अरे भाग गया तो तू यहां क्या कर रहा है जाकर तो पकड़ उसे हेलो 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 ए विजय तू कहाँ है hey, मैं गणपति विसर्जन के भीड़ में छुपा हुआ हूँ गणपति के विसर्जन में चलो तुम चलते रहो ए आदिवासी सब लोग टेरेस पर आ जाओ जल्दी ए विजय हाँ बोलो वो सारे लोग तेरे पीछे आ चुके हैं विजय विजय हेलो विजय संभल के क्या हुआ इसको एक मिनट रुको पकड़ो ना हाँ बोलो विजय तू अभी अपने राइट जा जगदम्बे बस वाले की तरफ हेलो 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 छे विजय विजय मैं कह रहा हूं रुक जाओ विजय विजय शूट कर दूंगा सर 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 क्या कर रहे हैं सर सर विजय को मारने के चक्कर में पब्लिक को लग गया तो बवाल खड़ा हो जाएगा चुप करो लेकिन सर ये तो सेंसिटिव एरिया है ना सर संभाल कर जाना जल्दी बैठो सर मैं ऐसा ही राजनाथ बोल रहा हूँ वो उस लड़की के साथ बाइक से भाग गया है वो हीरो हिंडा स्प्लेंडर है hey, उस बाइक को चेस करके पकड़ो ठीक है सर लॉक करो
डर लग रहा है तुम्हें? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। फ्लाइट में अभी कितना टाइम बाकी है? अभी 40 मिनट बाकी है। 40 मिनट बाकी है? 40 मिनट ही बाकी है। क्यों? मुझे अभी चाइनीज भेल खाना है। तुम्हें भेल खाना है? अभी फ्लाइट का समय होने वाला है, पता है ना? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी दो ना। आओ जल्दी। हेलो विजय, हम लोमड़ी बोल रहे हैं। हाँ लोमड़ी, क्या हुआ? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हम एयरपोर्ट आएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम मत आना, सीधा स्टेडियम चले। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम। अरे वो जो लड़की भेल खा रही थी कहाँ? वो इस तरफ गई है। कहाँ चली गई थी तुम? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने का टाइम है ये? कितना टेंशन हो गया था मुझे, तुम्हें पता है? अपने लिए उतनी टेंशन नहीं है जितना तुम्हारे लिए। विदेश तुम जा रही हो कि मैं? मेरी वजह से तुम अपना फाइनल मैच तक नहीं खेल पाए, लेकिन आज के फाइनल मैच में तुम्हारा जीतना जरूरी है। नेशनल कप लेना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बैट लाने गई थी। बेस्ट ऑफ लक। इस समय जाने की क्या जरूरत थी? ऑटो धनलक्ष्मी, अभी थोड़ी देर में तुम उदास क्यों हो? तुम कुछ बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो ना? अपने दिल में कुछ छुपा रही हो, यह तुम्हारा चेहरा बता रहा है। वो बात मैं जान चुका हूं, तुम्हें बिना तकलीफ उठाए मैं भेजूंगा, ऐसा मैंने कहा था ना। तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा एयरपोर्ट पर। तुमने कहा था ना कि मैं दूसरों की बातों को नहीं समझ पाता, उधर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ए, इन लोगों का यार ना सेफ नहीं है, संभाल कर। पिताजी, फ्लाइट नंबर AI747 चेन्नई टू न्यूयॉर्क विल डिपार्ट विद इन 40 मिनट्स। धनलक्ष्मी, टाइम हो गया, चलो। ये लो पासपोर्ट और टिकट, अंदर जाकर बोर्डिंग पास ले लो। तुम्हारा लगेज ऑलरेडी मेरा दोस्त पहुंचा चुका है। तुम्हारा स्टूडेंट वीजा है, तुम्हारे से ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी। ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट और बाकी के पैसे, संभाल कर रखना। मुझे कुछ बोलना था। कल मैंने तुम्हारे चाचा से फ़ोन पर बात की थी, वो एयरपोर्ट आकर तुम्हें ले जाएंगे, ये उनका नंबर है, ये लो। अरे ऐसे क्यों घूर रही है, कोई कन्फ्यूज़न है क्या? वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करना अपने पापा को, नहीं तो वो टेंशन में रहेंगे, समझ गए? तुम तो संभल के ही जाओगे, मैं भी तुम्हें बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। ओके, टाइम हो गया, ऑल द बेस्ट। ये विजय का लाओ, चाबी दो। आ गया, बैठो उधर लक्ष्मी।
एक्सक्यूज मी, एंट्री कहाँ से है? उधर, थैंक यू। ए, मैच का वक्त हो गया है, चलना। धनलक्ष्मी, प्लीज कम। आज का मैच बहुत ही रोमांचक है, दोनों ही टीमें बहुत। विजय बैक दे, ले। बस दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया कुछ शांत बनाए रखें, बस कुछ ही पलों में मैच शुरू होने का। इसलिए मैं तुम्हारे लिए बैट लाने गई थी। विजय चलो, टाइम हो चुका है। प्रतियोगिता की टीमें इस समय ग्राउंड पर आ चुकी हैं। पब्लिक के अंदर जोश देखने लायक है, क्योंकि ये मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बहुत ही जल्द मैच शुरू होने वाला है। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो शांति बनाए। सर मैच स्टार्ट होने वाला है, पब्लिक सब कंट्रोल में है, मिनिस्टर कभी भी आ सकते हैं, सिक्योरिटी टाइट कर दी है, ओवर। इसलिए आज का मैच बहुत ही रोमांचक मैच है। हेलो सर, सर मैं रवि बोल रहा हूँ। दो मिनट रुको, आपका लड़का विजय कबड्डी ग्राउंड में है। क्या बोला? कबड्डी ग्राउंड में है? पापा प्लीज रुक जाइए। hey. पापा प्लीज मेरे लिए एक मिनट दीजिए प्लीज। पापा इधर आके देखो पापा, ये सब कबड्डी मैच के कप है, ये लीग मैच में जीता है, ये सेमीफाइनल में जीता है, ये सारे कप हमारे शोकेस में होने चाहिए थे पापा, पर ये सब कचरे की तरह पेटी में बंद पड़े हैं पापा, क्योंकि आप कबड्डी से नफरत करते ना, बस इसीलिए। जीते हुए कप के साथ तो हर आदमी पोज देने के लिए खड़ा होता है पापा, लेकिन मेरा भाई तो जीते हुए कप के साथ अपना चेहरा छुपा कर फोटो खिंचाता है पापा। क्यों? क्योंकि आपकी नजर उस तक नहीं पहुँचे। आप क्या करेंगे उसे ढूंढकर? उस जालिम के हाथों में सौंप देंगे ना उस लड़की को? और भाई उसे बचाने के लिए इतनी सारी तकलीफों से गुजर रहा है पापा, वो अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको बुरा लगे तो आप उसे अरेस्ट कर लो। आप उसे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दो, वो इस फाइनल मैच को खेलकर जीत जाएगा, ये उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है पापा। प्लीज प्लीज पापा, प्लीज प्लीज उसे खेलने दो पापा, प्लीज माँ समझाओ ना, माँ प्लीज माँ, माँ पापा को बोलो ना, पापा को बोलो प्लीज 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 माँ, पापा उसे खेलने दो पापा। कबड्डी 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 सरदार को पटक देना, सरदार पकड़ जीत ले, पकड़ ले, पकड़ लीजिए, कबड्डी 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 कबड्डी। 2 point तलवार। फर्स्ट हाफ ओवर। अरे दे फर्स्ट हाफ ओवर हो चुका है और अपने रोमांचक दौर अपनी ताकत दिखा विजय, सबकी वोट लगा डाल, उत्साह देखने को ही बन रहा है। कबड्डी 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 आजा पुत्र आजा, कबड्डी 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 आजा, कबड्डी 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 कबड्डी। मेरे जाने का तुम्हें थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा है? विजय क्या हुआ विजय?
कबड्डी 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 4.2 तलवार। ये लोमड़ी तू जाना, हमारी यहाँ रहना जरूरी है, तू जा। कबड्डी 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 वहाँ कमाल कर दिया, हम जरूर हारेंगे तब तू खुश होगा। तूने ही कहा था ना खेल दिल से खेलना, मन और शक्ति को एकाग्र करके खेलो, फिर अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या बोल रहा है विजय? उसके साथ एयरपोर्ट जाने तक मैं ठीक था, लेकिन जब से वहाँ से आया हूँ मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा यार, मुझे हर जगह वही नजर आ रही है। विजय तू उससे प्यार करने लगा है? पता नहीं यार, ये सभी प्यार करने वालों का ऐसे ही ड्रामा होता रहता है। विजय वो देख वो आ रही है, कहाँ है? ए लोमड़ी इधर आ। क्या हुआ? अभी केवल 5 मिनट बाकी है, किसी एक को आउट करके विजय को अंदर लाना है, जल्दी कर। हमको डराओ मत यार, ये कैसे होगा? अरे तू लोगों के हंसने से मत डर यार, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी, वो आ गया, जल्दी करो तू जा। ए डरना मत जा। नमस्ते भाई। अरे उधर देख, अरे आजा आजा आजा, अरे पकड़ ले हम रखे, अरे बाप रे बाप, अबे ए गेंडे, अबे उधर देख, अबे देख 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 देख, मजाक मत कर, अबे माफ कर दे, अरे अरे आजा 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 आजा। ए विजय कम ऑन यार, लास्ट टाइम कबड्डी कबड्डी कैसी होती बेबी? ठीक तो है ना? तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, ये तुझे उठा कर लाया था ना। मैं हूं ना यहाँ पर, मैंने इसे छोटा बच्चा समझ गया था। तुम डरो मत सोनी, मैं आ गया हूं ना। तेरी तो तुम्हें तो सिर्फ वो लड़की चाहिए थी ना, ले जाओ।
तुमने इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी ना, इसके साथ कानून के मुताबिक क्या करना है वो हमारा डिपार्टमेंट देखेगा। ये सब बकवास अभी मत करो, मुझे नहीं सुनना। ए, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर कलेक्टर के साथ साथ प्रेस वाले क्या मेरी कुर्सी को खतरा हो सकता है? इसे ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे? इसे बाद में देख लेंगे। अरे तुम भी को लेके जाओ। लेकिन तुम, अरे मेरी बात तो समझो, चलो सुनिए। घूर क्या रहा है, तुम मुझसे टकराएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अरे बेबी तुम उधर मत देखो ना। ए सुनो, मैं उसे पुलिस स्टेशन में घुस कर मारूंगा। सब बकवास। एक कॉफी दो। ए, रुको। क्या कहा तुमने? बकवास करते हो तुम। क्यों, तेरे गांव में हजार लोगों के बीच में तुझे मार कर तुझे नीचा दिखा कर वो मुझे तुझसे छुड़ा लाया, अब यहाँ क्या करेगा? ये उसका शहर है, क्या बिगाड़ लेगा उसका? कॉफी जल्दी। ए, रुक जा, वरना। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, मुझसे शादी करना चाहती हो ना? चलो शादी करेंगे, चलो। अरे, चलो। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम मुझे छुओगे ना, मुझे ऐसा लगेगा वो छू रहा है, क्योंकि मेरे दिल में वो बसा हुआ है। लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच नहीं है सोनिया, मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन ये बीच में आ गया और इसकी वजह से तू बच गया, वरना वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, समझ गए ना? और अगर तुम सच्चे मर्द हो ना, तो इसी जगह उसे मार कर दिखाओ, तब चलूंगी तुम्हारे साथ। लाओ कॉफी दो। नहीं बेटा, तू उसकी बात मानकर वहां मत जा। जहां नहीं बोलना था वहां क्यों बोला था? अब आगे कुछ नहीं बोलने का, आज फैसला होने के बाद ही मैं जाऊंगा। ओए चलो रे। ओए तू इधर आ रे, इधर। मैं अपना कंप्लेन वापस लेता हूं, अभी से छोड़ दो। हम दोनों में कौन मर्द है इसका फैसला होकर रहेगा? क्या घूर रहा है रे? ओ तेरे बेटे को कुछ हो जाएगा इसका डर है? ए, मुझे इसका डर नहीं है, तेरा डर है। अरे ये क्या हो रहा है रे? धनु कहती है कि ये बहुत ताकतवर है और ये कहता है कि इसे मेरी फिक्र है। ए, छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ 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 इसे, छोड़ छोड़ छोड़, चला जा। यहाँ कौन मर्द है पता चल गया ना? ए, इसको उठाकर फेंक दो रे। अब ये नहीं उठने वाला है सोनिया, चलो चलते हैं, चल के शादी करते हैं। उठ जा विजय, उठ जा। ये मरा क्यों नहीं, यही सोच रही हो ना? अब भी इसे मारता हूं। चला जा रहे, कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। Come on, Vijay.
ಹೋಗ್ತದೆ. आप बीच में जाकर किसी को भी बचा नहीं सकते, तो कम से कम अपना मंत्री पद तो बचा लीजिए. अरे बाप रे, वो किस हॉस्पिटल में है पता लगाकर वहां मिलेंगे. अभी चलिए. बाप रे, गिरेगा क्या ये? तुम लोगों को स्पेशली बोलना पड़ेगा. हाँ, ऐसा क्यों घूर रहे? वो घूरने वाले को ही मारते हैं. चलो निकल लो. चलो चलो. मैं तुमसे अलग होकर नहीं जी सकती. ये कहने में मैंने बहुत देर कर दी. ये! Oh.